है ये एक ऐतिहासिक फैसला है और मैं समझता हूँ मानवता का ध्यान रखते हुए हमने ये फैसला लिया है। और खासकर जिस तरह से आप देख रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस जो है वो पाया गया है और उस स्थिति का हमने पूरा जायजा लिया है और जो है हमने लॉकडाउन का फैसला लिया है। और मैं समझता हूँ इस लॉकडाउन से हम लोग सारे अवेयर होंगे और जो है आप समझो ये एक बड़ा दुखदायी मतलब कि एक बड़ा मुश्किल फैसला है। और क्योंकि बंद करना कोई साधारण बात नहीं होती है, उससे काफ़ी नुकसान होता है लोगों का। लेकिन मैंने ये देखा कि हमने जो जम्मू के लोगों की जान बचानी है और हमने सीनियर मेंबर और मेरे लोगों की जब मीटिंग हुई और मेरे एक्स प्रेसिडेंट भी उसमें शामिल थे और उनकी जब हमारी मीटिंग हुई तो हमने ये वॉलंटरी फैसला लिया कि हम वीकेंड लॉकडाउन पर जाएंगे। आज जो आप सब देख रहे हैं कि हमारी मार्केट जो है सारी बंद है और आपके माध्यम से मैं अपने सारे मेंबरों का धन्यवाद देता हूं, उन्होंने हमारी बात का संज्ञान लिया और इस मार्केट को हमने बंद रखा। और ये एक मतलब कि एक अवेयरनेस का मैसेज है, जिस तरह से पहली लहर आई थी और हम लोग उससे कैजुअल हो गए और दूसरी वेव जो है लगातार इतनी तेज़ी से बढ़ी और हम उसको संभाल नहीं पाए और जो हमारे युवा थे वो काफ़ी खो गए और उसके डर से हमने और मतलब कि ये हमने वीकेंड लॉकडाउन लगाया है ताकि जो तीसरी दस्तक है तीसरी वेव की दस्तक है पूरे भारतवर्ष में आ गई है और इसका प्रभाव जो है जम्मू में ना पड़े, हम जम्मू के लोग जो है पहले से अवेयर हो जाएं और गवर्नमेंट की एसओपी है उसका सख्त पालन करें, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, मास्क डाल के रहें और हम जम्मू के लोगों को बचा सके, यही हमारा मकसद। जो दुकानदार आपसे खुश नहीं इस फैसले से उनके लिए क्या कहेंगे? मैं बस अपने दुकानदार भाइयों को, टैक्सी ड्राइवर को और जितने भी मेरे, मैं समझता हूँ हम 5 अगस्त 2019 से लॉस पे चल रहे हैं, ये तीसरा लॉस है और पहला लॉस जब 370 टूटी थी, जब पहली वेव आई थी दूसरी वेव आई थी, मतलब कि व्यापारी हर समय लॉस में रहा है। लेकिन इस समय लॉस की भरपाई हो सकती है लेकिन जो मानव चला जाएगा उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, इसीलिए हमने ये वॉलंटरी वीकेंड लॉकडाउन किया है। एक तरफ का अवेयर है कि जम्मू के लोगों को कि संभल जाओ कि अभी खतरा टला नहीं है, रुका है, फिर दोबारा आ सकता है, इसलिए हमने ये वीकेंड लॉकडाउन लगाया। हेल्प की जाए, बस हम ये सरकार से अपील करेंगे, श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और जिस तरह से आपने जो हमारे नॉन एसेंशियल सप्लायर हैं और जितने भी हमारे टैक्सी वाले हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, और जिस तरह से उनका काम काज जो है ठप हो चुका है, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज दें ताकि उनको रिलीफ मिले और ऐसा लगे सरकार जो है हमेशा समाज के साथ खड़ी है, समाज के वर्ग के साथ खड़ी है। और खासकर मेरे जो ऑटो वाले हैं, जो मेरे टैक्सी ड्राइवर हैं, जो ढाबे वाले हैं और जो मेरे व्यापारीगण हैं जिनकी काफ़ी लिमिटें हैं, और मैं समझता हूँ जो JDA के रेंट हैं और म्यूनसिपैलिटी के रेंट हैं और जो कि 2 महीने लगातार बंद रहे तो उनके रेंट माफ़ होने चाहिए, और जो इंटरेस्ट है बैंकों का लाखों रुपए का इंटरेस्ट है वो माफ़ होना चाहिए, और जिससे ये व्यापारी जो है अपने आराम से काम कर सके और उनको भी गर्व फील हो कि जो सरकार है उनके साथ है।